राहुल, अब की बार अपना अनाज हम छोटे व्यापारियों को नहीं बेचेंगे, सीधा मंडी में बेचेंगे, क्योंकि छोटे व्यापारी यहाँ हमसे सस्ते दामों पे अनाज खरीद के और मंडियों में ले जाके अच्छे दामों में बेचते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट अब अपनी मंडियों में बेचा करेंगे। मोदी जी, बात तो आप सही कह रहे हो, हम साल साल भर अपने खेतों में मेहनत करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, और ये छोटे व्यापारी आके हमारा अनाज सस्ते दामों में खरीद के और मंडियों में ले जाके अच्छे दामों में बेचते हैं, अब तो हम अपना अनाज मंडियों में बेचा करेंगे। बल राहुल, अगर जो रास्ते में कोई भी छोटा व्यापारी मिल गया और वो अगर जो बोलने लगा कि अनाज हमें दे दो, तो बिल्कुल भी मत देना, सीधा मना कर देना, उसको बोल देना हम तो अब मंडी में अनाज अपना बेचेंगे, तुमको नहीं देंगे अपना अनाज। मोदी जी, आप भी कमाल करते हो, भला हम क्यों अपना अनाज छोटे व्यापारियों को देंगे, अनाज हमारा है, हम जिसको मर्जी बेचे, तुम इसकी चिंता मत करो, हम छोटे व्यापारी को तो मुंह ही नहीं लगाएंगे, परेशान मत हो, चलो सीधा मंडी चलते हैं। अरे राहुल, वो देखो रास्ते में ही छोटे व्यापारी लालू जी मिल गए हैं, कहीं ये ना हमसे अपना अनाज मांगना शुरू कर दे, लेकिन देना नहीं है, बस इतना याद रखना, चुपचाप निकल चलो, इनसे बात ही नहीं करना है। अरे भैया मोदी जी और राहुल, ये अनाज लेके तुम लोग कहाँ जा रहे हो, बेचना है तो हमें बता देते, हम खुदा के तुम्हारे घर से लेके जाते, ये तुम बोझा लाद के कहाँ लेके जा रहे हो। अरे ठहरे तो, कम से कम बात तो सुनो यार, तुम लोग बात ही ना सुन रहे हो। देखो लालू जी, हमें अपना अनाज तुमको नहीं बेचना है, बस इसीलिए हम तुमसे बात नहीं कर रहे, तुम हटो, हमारा रास्ता छोड़ो, हमें मंडी जाना है, अपना अनाज मंडी में बेचेंगे, तुमको नहीं बेचेंगे, क्योंकि तुम अनाज बिल्कुल सस्ता खरीदते हो। अरे भैया मोदी जी और राहुल जी, तुम्हारा अनाज है, तुम कहीं भी बेचो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साल पहले जब तुम खेती करने के लिए मुझसे पैसे लेते हो, वो पैसे मुझे ब्याज समेत लौटा दो अभी के अभी, और अपना अनाज लेके जाके कहीं भी बेचो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लालू जी, हम अपना अनाज मंडी में बेच के आते हैं और तुम्हारा पैसा दे देते हैं, लेकिन ब्याज नहीं दूंगा, ब्याज की तो कोई बात नहीं हुई थी, तुम तो ब्याज मांग रहे हो। राहुल, ब्याज की बात नहीं हुई थी, ये तो हमें भी पता है, लेकिन तुमने ये बोला था पैसे लेते समय कि अनाज हमको ही बेचना है, लेकिन जब तुम मुझे अनाज नहीं दोगे तो ब्याज दो। भैया राहुल, बहस करने से कोई फायदा नहीं है, पैसे हैं नहीं अपने पास, तो अनाज अब लालू को बेचो और सीधा अपने घर चलो। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद। लालू जी, एक चीज बताओ भाई, पीले चावल कैसे बने हुए हैं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके ये पीले चावल बनाया हूँ, प्योर देसी घी के अंदर छौंका लगा के फिर पीले चावल बनाया हूँ, ऐसा ना हो कि इतना मेहनत करने के बाद भी मेरे पीले चावल खराब हो जाएं। मोदी जी, पीले चावल तो भाई बहुत बढ़िया बनाया है तुमने, जब इतनी मेहनत की है तो पीले चावल तो बढ़िया ही बनने थे, बस इसमें थोड़ी सी नमक की कमी लग रही है मुझे, आप चेक करके देख लो, अगर जो नमक की कमी हो तो थोड़ा नमक और डाल दो तो स्वाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। लालू जी, मैंने नमक इसलिए हल्का करके डाला है कि किसी को नमक कम पसंद है, किसी को ज्यादा पसंद है। और भैया राहुल, तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है ये पीले चावल, तुम अच्छा स्वाद बता सकते हो कैसा लग रहा है, फिर मैं इसमें नमक डालूंगा। मोदी जी, पीले चावल में तो नमक एकदम बराबर है, नमक की कोई कमी नहीं है और स्वाद भी बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन पीले चावल के साथ साथ अगर जो पूरी सब्जी बनवा लेती तो एकदम से सोने पे सुहागा हो जाता और ही मजा आ जाता खाने में। राहुल, मुझे पता था तुम इसी तरह बोलोगे, एक तो इतनी मेहनत करके मैं इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके पीले चावल का भंडारा करता हूँ, और तुम इसमें जरूर बोलते हो पूरी और सब्जी बन जाती तो और अच्छा होता। वैसे केजरीवाल, तुमको कैसा लग रहा है, तुम्हारे प्लेट में तो चावल मुझे कम लग रहे हैं, और ले लो चावल। मोदी जी, चावल तो मैं और ले लूंगा, वैसे मैंने दो प्लेट खा ली है, पेट तो भर गया है, लेकिन थोड़ा सा चावल और लूंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ी पानी की व्यवस्था करा दो भाई, गले में अटक रहा है चावल, इसलिए पानी और दिलवा दो। मोदी जी, थोड़ा सा पीले चावल और हमें दे दो भाई, नहीं तो कहीं कम हो जाए, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं खाने को, हमारा पेट ही ना बढ़े, क्योंकि मैं धीरे धीरे खाना खाता हूँ और ये लोग खा लेंगे तो पीले चावल खत्म हो जाएंगे, इसलिए एक्स्ट्रा और मुझे दे दो पीले चावल। अरे यार अखिलेश, तुम बड़े भुक्कड़ आदमी हो, इतनी सारी तुम्हारी प्लेट में पीले चावल रखे हुए हैं और तुम एक्स्ट्रा मांग रहे हो, अरे पहले ये खा के खत्म करो, उसके बाद ले लेना, देखो पूरी कड़ाही भरी हुई है पीले चावलों से, तुम चिंता मत करो, लेकिन पहले वो खा लो, उसके बाद ही तुमको दूंगा मैं पीले चावल। ठीक है मोदी जी, लेकिन इतना समझ लेना मैं पीले चावल बाद में लूंगा, ऐसा करो मोदी जी, एक दो रसगुल्ले का पीस हो तो वो दिलवा देते यार, थोड़ा सा गला सलसल हो जाता तो खाने में आसानी हो जाती।
ऐसा है अखिलेश, पीले चावल खाने हैं तो चुपचाप खाओ, यहाँ रसगुल्ले उसगुल्ले की व्यवस्था नहीं है। तुमको पता है मैं इतनी मेहनत करके तो ये पीले चावल का भंडारा करता हूँ, और तुम लोग आके यार एक से एक और नखरे करते हो। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। मोदी जी, किस खुशी में हमको अपने यहाँ खाने पे बुलाए हो भाई? पहले तो ये बता दो खुशी क्या है, उसके बाद ही मैं भोजन करूँगा। साह भैया, आपको तो पता है मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, तो मैंने बड़ी मेहनत करके एक छोटा सा ये मकान बनाया है। इसी खुशी में मैंने सोचा साहब भैया को बुला के कम से कम भोजन ही करा दूं। बस यही खुशी है हमारी, और इसके अलावा कोई खुशी नहीं है। फिर तो मोदी जी, आज मैं डबल खाना खाऊंगा, दबा के खाऊंगा तुम्हारे यहाँ। बस तुम ये मत घबराना मैं कितना खाना खा रहा हूँ, बस तुम लाते जाओ, मैं खाते जाता हूँ। साह भैया, तुम चिंता मत करो, जितना मर्जी खाना है खाओ, हमारे पास बहुत सारा खाना हमने बनवा रखा है। अरे भैया योगी जी, लाओ जाके पूरी सब्जी हलवा जलेबी सब कुछ लेके आओ, साह भैया को खिलाओ, इनको खुश कर देना है आज खिला के। अरे मोदी जी, खाना तो मैं और ले आऊंगा, लेकिन पहले जो इनकी थाली में रखा हुआ ये तो खाएं, खाने की चिंता किस चीज की है, मैं और ले आता हूँ। खाओ साह भैया, खाओ जितना खाना है, मैं लेके आ रहा हूँ। और ठीक है योगी जी, मैं खा तो रहा हूँ, लेकिन भाई ऐसा करो थोड़ा सा मीठे की व्यवस्था कर दो, अगर जो रसगुल्ले वगैरह है तो वो भी ले आना। योगी जी भूलना मत, रसगुल्ले जरूर लेके आना। अरे साह भैया, रसगुल्ले तो हमने बनवाए नहीं है। ऐसा करो मैं खीर और जलेबी लेके आता हूँ, मीठे में यही दो चीज बना है, बाकी तुम और जो खाना है खाओ, मैं ये सारी चीजें लेके आता हूँ। ठीक है योगी जी, मैं तो खा ही रहा हूँ, इतनी देर से खा ही रहा हूँ, तुम फटाफट मीठा और जलेबी लेके आओ। और भैया मोदी जी, थोड़ा ये मेरा पैर दबा दो यार, खाते खाते मैं थक गया हूँ, थोड़ा पैर दबाओ। साह भैया, हमने तुमको खाने के लिए बुलाया है, तुम्हारा पैर दबाने के लिए हम नहीं बुलाए हैं आपको कि आओ हम तुम्हारा पैर दबाते हैं। खाओ जितना खाना है खाओ यार, पैर वैर मत दबवाओ हमसे, हमसे नहीं होगा तुम्हारा पैर वैर दबाना। देखो मोदी जी, खाना तो मैं खा ही रहा हूँ, खाने में जरा सा भी कंजूसी नहीं करूँगा, लेकिन जब तक तुम मेरा पैर नहीं दबाओगे मैं तुमको आशीर्वाद नहीं दूंगा। अगर जो मैं आशीर्वाद दे दिया तुमको ना, तो तुम और तरक्की करोगे और आगे बढ़ोगे। अरे साहब भैया, हमें आशीर्वाद वशीर्वाद नहीं चाहिए, तुम खाना खाओ। अरे योगी जी, सब्जी लेके आओ, और देखो साहब भैया की थाली में सब्जी खत्म हो गई है, तुम बैठे हो यहाँ पे, सब्जी लेके आओ। मोदी जी, सब्जी की बात कर रहे हो, यहाँ पूरी सब्जी, चावल, दाल, खीर, जलेबी सब खत्म हो गया, सब साहब भैया ने खा लिया है, हमारे लिए तो जरा सा भी कुछ नहीं बचा है। देखो सारे बर्तन खाली पड़े हुए तुम्हारे सामने, अब कहाँ से लेके आऊं यार। अरे योगी जी, क्या बात कर रहे हो यार, सारा खाना साह खा गए, कुछ भी नहीं बचा हुआ। अरे यार, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी इनको खाने पे बुला के, हमारा तो सारा खाना ही खा गए, आगे से इनको कभी नहीं बुलाऊंगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। मोदी जी, आपने आने में बहुत देर कर दी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन आप अब आए हो। अरे बेंजोनिया जी, एक तो आपका घर नहीं मिल रहा था इस गाँव में, और शहर से आने में वक्त लगता है, एक तो आपके गांव में शहर से आने के लिए कोई बस या ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं चलता है, वो तो ये गांव, ये शहर में एक बैल इधर उधर फिर रहा था, इसी पर बैठकर मैं चला आया, और यहाँ गांव में आने के बाद आपका घर को ढूंढना बड़ा मुश्किल हुआ। लेकिन मोदी डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कह दिया था कि गांव के पूरब में सबसे पहला मकान मेरा ही है, लेकिन आप फिर भी इधर उधर गांव में घूम रहे थे। एक तो मुझे इस बैल से डर बहुत लग रहा है, इस बैल को अलग खड़ा करो, इसके सींग बहुत बड़े बड़े हैं, कहीं ये बैल मारने ना लगे। अरे बैल सोनिया जी, आप भी अजीब बात करती हो, ये जानवर है, जानवर को जितना ज्यादा प्यार करोगे वो भी अपनों को उतना ही प्यार करेंगे, ये तुम्हें क्यों मारेगा, इसे किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है। एक तो देखो, मुझे कोई सवारी नहीं मिली यहाँ तक आने के लिए, अब मैं इसी बैल के ऊपर तो बैठ के आया हूँ। चलो वो सब छोड़ो, अब एक बात बताओ, आपको क्या दिक्कत है? मोदी जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपने लिए आपको नहीं बुलाया, ये देखो नीचे उतर के आओ इस बैल से, ये राहुल लेटा हुआ है, इसी को थोड़ी बहुत दिक्कत है। अरे मैंने घर के बाहर देखा ही नहीं राहुल, ये नीचे लेटा हुआ है जमीन पर। राहुल क्या बात है, क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? मोदी जी पैसे तो मुझे कोई खास दिक्कत नहीं है, और वो तो मैं अभी खाना खाकर आया हूँ, खाना खाने के बाद घर के बाहर थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ। अरे बहन सोनिया जी, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? राहुल बताओ तुमको क्या दिक्कत है? मोदी जी कोई खास दिक्कत नहीं है, भूख बहुत ज्यादा लग रही है, ऐसा लग रहा है पूरा दिन खाते ही रहो। तो ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से खाते रहो और सेहत बनाओ। अरे मोदी जी, घर का जितना अनाज था इस बार का सारा अनाज ये खा गया, आप सेहत बनाने की बात कर रहे हो? अरे राहुल को एक ऐसी गोली दे दो जिससे इसे भूख कम लगे, ये इतना खाना खा रहा है,
कि सारा का सारा घर का राशन खा गया। मम्मी जी आपको मेरे खाने से बहुत दिक्कत रहती है, अगर मैं ज्यादा खाता हूँ तो क्या हो गया? आपने बेपालतू में मोदी डॉक्टर साहब को शहर से बुला लिया। वैसे मोदी जी एक दिक्कत मुझे बहुत है, सर्दी के दिनों में बिल्कुल प्यास नहीं लगती थी, लेकिन ये जब से गर्मी आई है ऐसा लगता है पानी पीते ही रहो। बेपालतू की बात मत करो, मेरी फीस दो और मुझे यहाँ से जाने दो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब।